वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज़ विद किट महनूर। आज हम बनाने लगे हैं बैंगन भर के नए अंदाज में, एक नए तरीके में। ये बैंगन जो है भर के बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे 1.5 किलो बैंगन ले लिया है, फ्रेश बैंगन। ये देखिए, वॉश कर लिया है हमने, और साथ ही हमने यहाँ पर 7-8 टमाटरों की प्यूरी बना ली है इस तरह से, इसे ग्राइंड करके। और हमने 1.5 प्याज को इस तरह से ग्राइंड कर लिया है ब्रिक ब्रिक। और उसके बाद हमने ये जो मसाले लिए हैं, सुरख मिर्च ली है 2 टेबल स्पून, हमने काजू लिए हैं 10 से 15 अदद, हल्दी ली है 2 टेबल स्पून, साबित गरम मसाला लिया है, साबित हरा धनिया, हमने वो सूखा धनिया लिया है, और नमक लिया है। और इसके अलावा हमने हरी मिर्चें जो हैं वो भी बारीक चॉप कर ली हैं 7 से 8 अदद, दही ली है 1 बाउल, और बेसन लिया है हमने 3 से 4 टेबल स्पून। अब हम यहाँ पे एक लेते हैं ग्राइंडर। अब हम इस ग्राइंडर में इन सब मसालों को डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अपना ये सारे मसाले जो आपको दिखाए थे उन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड करके इस तरह से इसका मिक्सचर बना लिया है। ये देखिए ज़रा कितना अच्छा लग रहा है मिक्सचर। अब हम बैंगन ले लेते हैं और उन्हें कट लगा लेते हैं चारों साइडों से। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हम चारों सारे बैंगन्स को इस तरह से कट लगा लेते हैं, फिर इसके अंदर हम मसाला डालेंगे। देखिए पहले हम सबको इस तरह से कट लगा लेंगे अच्छी तरह से। देखिए व्यूवर्स, हमने सब बैंगन्स को इस तरह से कट कर लिया है। ये देखें, अब इसमें हमने मसाला डालना है। ये देखिए आसानी से इसके अंदर नज़र आ रही है हमारा सारा कट। इसमें इस तरह से हमने अच्छी तरह से सब बैंगनों को कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम मसाला डालेंगे व्यूवर्स। अब इसके अंदर हमने चम्मच की मदद से इसके अंदर अच्छी तरह से मसाला डाल देना है। ये देखिए व्यूवर्स, इस तरह से हम अच्छी तरह से इसके अंदर सब बैंगन्स के अंदर मसाला डाल लेंगे। ये देखें इस तरह से कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी। इस तरह से हम सब बैंगन को अंदर मसाला डालते हैं व्यूवर्स। हमने इनके अंदर मसाला जो है वो अच्छी तरह से ऐड कर दिया है, बिल्कुल इनको अच्छी तरह से भर दिया है। ये देखिए ज़रा कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए ज़रा, एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हमने ऑयल डाल लिया है। ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम बैंगन डालेंगे। बैंगन को हमारे ज़्यादा हैं तो इस तरह, इसलिए हम इन्हें हाफ हाफ करके फ्राई कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से इसके अंदर डालते जाएंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। बस एक टाइम में इतने ही बैंगन आएंगे। इस तरह से अच्छी तरह इन्हें फ्राई कर लेंगे। हमने बैंगनों को फुल कुक नहीं करना, सिर्फ हमने इसे 10 या 15 मिनट के लिए बस फ्राई करना है, ताकि ये आधे पक जाएं और आधे हम इसे ग्रेवी में पकाएंगे। अब इसे हम ढककर 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं, ताकि ये आधे कुक हो जाएं, फिर ही इसे हम ग्रेवी में पकाएंगे। बैंगन जो हैं वो हमारे हाफ कुक हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे और बाकी जो हमारे बैंगन हैं उन्हें भी इसी तरह से हाफ कुक कर लेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, हमने अपने सारे बैंगन जो हैं वो इस तरह से अच्छी तरह फ्राई कर लिए हैं। देखिए ज़रा इसकी कितनी अच्छी लुक आ रही है, कितने मज़ेदार लग रहे हैं। देखिए ज़रा कि व्यूवर्स कितने अच्छे लग रहे हैं ये। इसी ऑयल में इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसमें हमारे सारे ग्राइंड किए हुए मसाले हैं। इन्हीं मसालों के अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से इन्हें 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे इस तरह से। देखिए ज़रा कितनी अच्छी लुक आ रही है प्याज़ों की हमारी। इस तरह से इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं हम। सिर्फ मिर्च 1/2 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया हुआ, गरम मसाला इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा, धनिया 1/2 टीस्पून इसमें हमने ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर रहे हैं। और अब अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर हम टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे, जिसको हमने बताया था पहले हमने ग्राइंड करके रख ली थी, ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा इसमें दही ऐड कर देंगे इस तरह से, और इसे अब अच्छे से हम 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मसाला जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। देखिए ज़रा कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी। अब इसके अंदर हम सारे अपने फ्राई किए हुए बैंगन ऐड कर देंगे इस तरह से। सारे बैंगन हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे इस तरह से, अच्छी तरह से सारे बैंगन हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने सारे बैंगन जो हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसे हम 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, हमारे बैंगन जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। देखिए व्यूवर्स, हमारे बैंगन जो हैं भरे हुए बैंगन रेडी हो चुके हैं। देखें ज़रा कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी, कितने मज़ेदार लग रहे हैं। आप भी ज़रूर इसे ट्राई करें। इसे हम रायते के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पाइसी बने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।